हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए 7 अगस्त 2021 का जो यूपी टीजीटी कला का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की लेके आया हूँ। आंसर को हमने पूरी तरह से जांच लिया है और जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा वो अच्छे तरीके से हमने उसको चेक कर लिया है। तो दोस्तों, आप भी देख लीजिए कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है इस पेपर में। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर ए जो है 1864, ऑप्शन नंबर बी 1872, ऑप्शन नंबर सी 1868, ऑप्शन नंबर डी 1870। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना जो हुई थी वो 1854 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1864 दिया है, तो इसका राइट आंसर जो फर्स्ट हो जाएगा 1864। क्वेश्चन नंबर 2, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक्रेलिक बाइंडर, ऑप्शन नंबर बी लिंसिड ऑयल, ऑप्शन नंबर सी टर्पेंटाइन ऑयल, ऑप्शन नंबर डी फेविकोल। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है सी टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल से क्या होता है, पेंटिंग जो होती है वो जल्दी सूखती है। ऑयल कलर में लिंसिड और टर्पेंटाइन को 50-50 मात्रा में मिलाकर यूज किया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाहाउस स्कूल स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इटली में, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी हॉलैंड में। इसका जो राइट आंसर है वो है सी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 4, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी मदुरई, ऑप्शन नंबर सी हलेबिड, ऑप्शन नंबर डी एहोल। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुपम सूद, ऑप्शन नंबर बी मंजीत बाबा, ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र पांड्या। तो यहाँ पे जो प्रिंट मेकिंग जो ग्राफिक कलाकार है वो अनुपम सूद हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाए ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाया? ऑप्शन नंबर ए सतीश गुजराल, ऑप्शन नंबर बी एस एच रजा, ऑप्शन नंबर सी परेश मैती, ऑप्शन नंबर डी मनु पारेख। इसका जो राइट आंसर है वो है ए सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस कलाकार का आलियोग्राफ से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर सी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी गणेश पाइन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है वो है राजा रवि वर्मा ने मुंबई के लोनावाला में आलियोग्राफ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्षितिन्द्र नाथ मजुमदार तकनीक में सिद्धस्त थे। तो क्षितिन्द्र नाथ मजुमदार जो थे वो वास पद्धति में सिद्धस्त कलाकार थे। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है सी वास। क्वेश्चन नंबर 9, अर्नस्ट बीनफील्ड हैवेल कौन थे? यहां पे दोस्तों ईवी हैवेल का ये पूरा नाम दिया हुआ है, अर्नस्ट बीनफील्ड हैवेल वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ओपेरा गायक, ऑप्शन नंबर बी कलाकार इतिहासकार, ऑप्शन नंबर ई पियानो वादक, ऑप्शन नंबर डी यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। तो वो क्या थे? कला इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राम गोपाल विजयवर्गीय, ऑप्शन नंबर बी भवानी शंकर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर डी देवकी नंदन शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी देवकी नंदन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, पैलेट का प्रयोग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर डी टेक्सटाइल। तो पैलेट का प्रयोग जो होता है वो चित्रकला के लिए होता है। पैलेट में हम कलर को सबसे पहले निकालते हैं, तो यहाँ पे चित्रकला के लिए प्रयोग होता है पहले। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए राम कुमार, ऑप्शन नंबर बी एन एस बेंद्रे, ऑप्शन नंबर सी के एस कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर डी सतीश गुजराल। तो
तो यहां पे राइट आंसर जो है वो है सी, के एस कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 13, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है यह कहां से है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो कांथा जो है वो बंगाल का फेमस है, तो ये सी आंसर यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए बसावन, ऑप्शन नंबर बी गोवर्धन, ऑप्शन नंबर सी मोलाराम, ऑप्शन नंबर डी मंसूर। इसका जो राइट आंसर है वो है सी मोलाराम, क्योंकि यहाँ पे बसावन तो अकबर के समय का है, गोवर्धन भी नहीं है, मंसूर जहांगीर के समय का है, मोलाराम यहाँ पे हो सकते हैं, तो मोलाराम यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन जोदड़ो की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो यहाँ पे भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए 1660 में, ऑप्शन नंबर बी 1560 में, ऑप्शन नंबर सी 1680 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ए 1660। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजपूत, ऑप्शन नंबर बी मुगल, ऑप्शन नंबर सी जैन, ऑप्शन नंबर डी पाल। तो लघु चित्रों के जनक के रूप में हम जैन शैली को मान सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी जैन शैली। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ए ज्योतिष जोशी। क्वेश्चन नंबर 20, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? ऑप्शन नंबर ए जान क्रिस्टो, ऑप्शन नंबर बी ट्रिस्टा जरा, ऑप्शन नंबर सी लेंडसे ग्राहम, ऑप्शन नंबर डी फ्रिडा कहलो। इसका जो राइट आंसर है वो है जान क्रिस्टो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो हाशिया बनाकर जो चित्रण होता था फारसी शैली, मुगल शैली में भी ये होता था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वृष बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए सुनील दास, वृष बनाने के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो यहाँ पे उस्ताद मंसूर पशु पक्षी चित्रों के लिए फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 24, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया, चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हड़, ये विल्हड़ द्वारा लिखा गया, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो यमुना नदी के वाहन के रूप में यहाँ कूर्म मतलब कछुआ होता है, तो कछुआ, और गंगा जी के लिए मगरमच्छ जो है ये गंगा जी के लिए, और कूर्म जो है यमुना, तो यहाँ यमुना पूछा है तो कूर्म यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सेलिब्रेशन जो है तैयब मेहता की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, के एस कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ था, जो से संबंध थे? तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय के ये डीन रह चुके हैं, तो यहाँ से इनका संबंध है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है सी मनोहर ने 1649 में रामायण चित्रित किया था मेवाड़ शैली में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
30, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो हमें गीत गोविंद में प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, इनका जो चित्र श्रृंखला है ययाति बहुत ही फेमस है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली। क्वेश्चन नंबर 33, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्राकृतिक नेचुरल कलर प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 34, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अशोक भौमिक। क्वेश्चन नंबर 35, ली कार्बूसिए कौन था? ये एक वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 36, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाई गई, इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे दोस्तों बनाने वाले जो हैं वो जैनुल आबिदीन है, लेकिन यहाँ पे आंसर में नहीं दिया है, तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे अनुसार इसका जो राइट आंसर हो सकता है बेंद्रे दे सकता है यहां पे, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 37, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं, जॉन कांस्टेबल जो है इंग्लिश रोमांटिज्म पेंटिंग से संबंधित है, तो यहां पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे अनुसार इसका आंसर जो है वो टिली कैटल है, डी। क्वेश्चन नंबर 39, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ये तो मुर्गे की लड़ाई के हेब्बर का बहुत ही फेमस चित्र है, तो यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक किसे चित्रित किया, जिसे चित्रित किया, तो वो कौन से हैं? रेम्ब्रा हैं, रेम्ब्रा एक डच चित्रकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 41, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में है? तो ये लखनऊ में है, बहुत ही फेमस। क्वेश्चन नंबर 42, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है, सूर्योदय का प्रभाव इस चित्र को बोलते हैं, तो ये क्लाउड मोने द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43, जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं, ये छत्तीसगढ़ में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? दोस्तों यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि नहीं है, तो मंसूर थे, विशन दास बसावन, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बसावन जो है ये अकबर के समय का चित्रकार है, दशवंत और बसावन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए, सित्तनवासल गुफा। क्वेश्चन नंबर 46, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? इसका जो राइट आंसर यहाँ पे दिया है वो हरिहर लाल मेढ़ है, लेकिन मेरे अनुसार हमने इसको सर्च किया तो राम गोपाल विजय वर्गी को दिखा रहा है, तो आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कार्ल खंडालवाला। क्वेश्चन नंबर 48, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो द्वारा चित्रित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ये बिशन दास द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर
49 एवरस विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये सतीश गुजराल की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 50 अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है सी एंड्रू ब्रेटन। आंद्रे ब्रेटन जो हैं ये हैं, सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 25 से 10,000 है, लेकिन यहाँ पे 6,000 ईसा पूर्व मान सकते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो ये लंदन में है, तो इस राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी है। क्वेश्चन नंबर 53 हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो ये कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है, तो राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 54 बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी जे एम अहिवासी। क्वेश्चन नंबर 55 बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई, तो बिंदु चित्र श्रृंखला जो बनाई ए एस रजा, एस एच रजा, सैयद हैदर रजा ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 56 सीतनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? सीतनवासल गुफाएं जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव को मानते हैं, तो राजपूत शैली के उद्भव को हम मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 फारसी में अनुवाद महाभारत को कहा जाता है, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रज्मनामा है, तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरती राजकुमारी है, मरणासन राजकुमारी, तो गुफा संख्या 16 में है ये। क्वेश्चन नंबर 61 राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए समकालीन पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 62 मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में? दोस्तों यहाँ पे मार विजय की मूर्ति पूछ रहा है, चित्र नहीं, चित्र जो है एक में है और मूर्ति जो है वो 26 में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 63 संथाल महिला किस कलाकार की चित्राकृति है? वो यामिनी राय की है, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी भारती खेर। क्वेश्चन नंबर 65 किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र बनाया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये बनाया है, बंगाल शैली के कलाकार जो हैं। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो वो गति का प्रभाव इंगित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 विवान सुंदरम ने किस कला संस्था में अध्ययन किया? इसका जो राइट आंसर है वो है सी ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 68 MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है, उसका किस पर बनाया गया है? तो वो हस्त निर्मित कागज हैंडमेड पेपर पर है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आनंद वर्धन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है, तो वो टेक्चर के द्वारा होता है, पोत जिसे हम बोलते हैं, तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 71 इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी दशवंत। क्वेश्चन नंबर 72 तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहां प्रयोग किए गए? तो नवपाषाण काल में हुआ था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? तो ये वान गॉग द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 फिलिपो टोमासो मारिनेटी कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र, इन्होंने उसके निर्माता हैं ये।
क्वेश्चन नंबर 75, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो सुदर्शन पटनायक जो है वो एक सैंड आर्टिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर है? तो ये गुफा नंबर एलोरा की गुफा नंबर 16 में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, असित कुमार हलदार। क्वेश्चन नंबर 79, गीत गोविंद के लेखक कौन है? वो है जयदेव, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या है? तो अजंता की जो चैत्य गुफाएं वो पूजा से संबंधित होती हैं और बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था, तो ये यहाँ पे पूजा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, तीन संगीतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 82, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रणबीर सिंह बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हरणीहरण, क्योंकि गैंडे का आखेट जो चित्र प्राप्त हुआ वो घोड़मंगर से मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में है और ये हरणीहरण से संबंधित हो सकता है, तो इसका राइट आंसर मेरे अनुसार डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, सारनाथ स्तंभ में बने चार पशुओं के नाम कौन कौन से हैं? वो देखिए, वृषभ बैल है, गज हाथी, घोड़ा शेर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये घनवाद से संबंधित थे, पिकासो और ब्राक, तो यहां पे राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 86, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया गया? इसका जो राइट आंसर यहां पे तो दिया नहीं है, ये 12वीं शताब्दी में बना था, तेजवा रूलर्स इसमें दिया, ये मंदिर गुजरात में है। इसका यदि दोस्तों आपको राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मेरे अनुसार ये जो है वो डी हो सकता है, सोलंकी डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 87, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने व्यंग चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन मूर्तिकार है? इसका जो राइट आंसर है वह ए, एस जी श्रीखंडे। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो कामसूत्र के जो टीकाकार हैं वो यशोधर पंडित हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यशोधर पंडित। क्वेश्चन नंबर 90, अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो उसमें 103 चित्रों का संग्रह है, तो ये डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं, तो वो पांडव से भी संबंधित हैं, तो ये डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जोगीमारा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? तो ये अकबर के समय हुआ था, तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 94, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? तो ये चिकनकारी है, चिकनकारी से संबंधित है। नूरजहां ने सबसे पहले जहांगीर के लिए एक टोपी बनाई थी, ये चिकनकारी से संबंधित, और चिकनकारी कहाँ की फेमस है? लखनऊ की बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 95, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं, तो उसके संपादक जो है अवधेश मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? जावा में,
बोरोबुदुर का स्तूप। इसका राइट आंसर जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सुबोध गुप्ता जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सावरी चित्र किसने बनाया? तो यहां पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बद्रीनाथ आर्य, मेरे अनुसार है। बाकी आपको कौन सा आंसर आपने टिक किया वो हमें बताइए, कौन सा इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बद्रीनाथ आर्य। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर ये कंबोडिया में है। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति लंबाई जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट भी थे, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 102, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा रंग है जो द्वितीयक रंग नहीं है। तो बैगनी द्वितीयक रंग है, नारंगी भी है, हरा भी है, लेकिन पीला जो है ये प्राथमिक रंग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो इंद्र सभा जो है वो 32वीं गुफा जो है वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 104, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरे अनुसार सी होना चाहिए, लेकिन ये अशोक के समय ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपि है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ब्राह्मी होना चाहिए। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र अवशेष हमें मिले हैं वो बर्तनों पे चित्र अवशेष हमें मिले हैं, लाल रंग से उनको रंग करके काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, तो राइट आंसर हमारे अनुसार ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो शकुंतला जो है वो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृति डेविड किस सन में बनाई गई है? तो वो 1504 में बनाई गई है, इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 108, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो सेजा है, इसका राइट आंसर जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 109, रतन परिमुख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एक कला समीक्षक हैं वो। क्वेश्चन नंबर 110, बाघ की पांचवी गुफा का क्या नाम है? तो पांचवी गुफा जो है वो पाठशाला के नाम से जानी जाती है, तो राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 111, इनमें से किसने मीराबाई भित्त चित्र चित्रित किया था? तो इसका जो राइट आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए वो के जी सुब्रमण्यम होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें बता सकते हैं, इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 112, डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो विकास भट्टाचार्य डॉल सीरीज के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो संगीतकार की मुखाकृतियों के लिए जो है वो सर्वरी राय चौधरी प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है, तो वो जयमंगला है, जिसके लेखक यशोधर पंडित थे, तो इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 115, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये भागलपुर में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, शाहजहां। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला पर कार्य हुआ था और इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल काल में। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसका आंसर चेक करके आप लोग को बताया है, तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में बताएं कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। मेरे अनुसार इसका मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो मेरिट होगा वो 85 से 90 तक जा सकता है,
जहाँ तक मैंने इस पेपर को अभी सॉल्व करके देखा है, क्योंकि बहुत इजी भी पेपर नहीं आया है, कुछ क्वेश्चन इजी हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन डीपली पढ़ने के बाद इसमें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से और भी जो भी कला से संबंधित एग्जाम है उनके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।